छठी चीज इसमें रिश्तेदार कलीग्स और साथ वाले जो भी रहते हैं, कभी किसी की बीवी होती है जो बात नहीं सुनती है, कभी किसी के बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं, कभी किसी का पड़ोसी होता है जो उसको दुख देने वाला होता है, कभी जो उसकी कंपनी में कोई कलीग होता है जिसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी होती है, कभी किसी की दुकान में कोई नौकर ऐसा होता है कि वो सरदर्द होता है, उसको निकाल भी नहीं सकते रख भी नहीं सकते, तो ऐसी चीजों से भी आदमी को हमेशा टेंशन होता है। बच्चे सता रहे हैं, बीवी सता रही, पड़ोसी सता रहे, ये सता रहा, तो ऐसे जो लाइफ में जो करीबी लोग होते हैं अपने होते हैं उनसे भी तकलीफ होती है। इन तकलीफों में क्या करें, इनकी वजह से भी सरदर्द आदमी को बढ़ जाता है, बल्कि बाद अवकात जरा ज्यादा ही बढ़ता है। इसका क्या हाल है? नंबर एक, माफ करना। जब तक कि आदमी दूसरों को माफ नहीं करता वह अपने जहन को साफ नहीं करता है, इसलिए लोगों की गलतियों पर, जैसे मसलन बच्चे ने कोई गलती की, बीवी ने कोई गलती की, इतना गुस्से में आ गया उसको तलाक दे दिया, अरे ग्लास फोड़ा उसने, खाना सही नहीं बनाया, तलाक उसको एकदम, या इतना पिटाई कर दी उसकी कि दवाखाने में खर्चा ग्लास से ज्यादा हो गया, ग्लास फूटा था, ठीक है ग्लास तो जुड़ा नहीं मारने से, लेकिन अब क्या हो गया, हड्डी भी टूट गई, उसका खर्चा एक्स्ट्रा। तो बाज वक्त ऐसा भी होता है कि एक आदमी अपनों की गलती पर उनको माफ नहीं करता है, उनको ऐसी सजा देता है गुस्से में आके, क्योंकि आदमी एक बार उसका ब्रेक छोड़ दिए तो फिर वो बेब्रेक हो जाता है एकदम। वो गाड़ियों पे लिखा होता है कि आप सफर में करें, गाड़ियों के ट्रक के पीछे देखे, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक क्या क्या लिखा होता, ऑल फॉल भी रहता है उसके ऊपर, देखो मगर प्यार से, तो बहुत सारी चीजें उस पर होती हैं। आप सोचिए कि एक आदमी थोड़ा सा सोचे कि इससे गलती हुई है, मुझसे भी हो सकती थी, ये बर्तन इसके हाथ से गिर के फूट गया, ठीक है बहुत कीमती है, बहुत प्यार से लाया हूं मैं ये सेट, पूरा सेट का अपसेट हो गया, तो ये खुद अपसेट हो गया, ये सोचे कोई बात नहीं, ग्लास ही तो है ना, कप ही तो है, कोई बात नहीं है, उसको अगर माफ कर दे तो उसके दिल में इसकी इज्जत बढ़ जाती है और ताल्लुकात बिगड़ते नहीं है। तो माफ करने से ताल्लुकात भी बाकी रहते हैं बल्कि और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वलियाफू वलियस्फहू, ईमान वालों को चाहिए कि वो दूसरों को माफ करें और उनके साथ दरगुजर करें, उनको छोड़ दें, मतलब नजरअंदाज कर दें। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता अला तुहिब्बुना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुमको माफ करे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ा मगफरत करने वाला रहम करने वाला है। तुम ऐसे अल्लाह को मानते हो जो मगफरत करता है, गुनाह माफ करता है, रहम करता है, तुम खुद वो रहम वाले नहीं हो, तुम खुद लोगों को माफ नहीं करते, तुम चाहते हो तुम्हारी गलतियां अल्लाह माफ करे और तुम दूसरों की गलती माफ करने के लिए तैयार नहीं, जो तुम दूसरों से अल्लाह से एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चाहते हो कि गलती माफ होना चाहिए तो मेरी माफ होना चाहिए अल्लाह, अगर ऐलान हो कि किसी गलती सबसे माफ हो, पहले माफ होना चाहिए, पहले जाके लाइन में खड़े होगा अल्लाह के ताल्लुक से कि मेरी गलती अल्लाह सबसे पहले माफ कर दे, लेकिन दूसरों की गलती माफ करने में पीछे क्यों हटता है? इसको भी चाहिए कि दूसरों की गलती माफ कर दे। जब आदमी दूसरों को माफ करता है, फुलाना मेरा दुश्मन है, माफ कर दिया, दिल हल्का हो जाता है। जब तक माफ नहीं करता उसको पांव से बांध के रखे हुए हैं, घसीटते घसीटते जहां भी चल रहा है उसके साथ जा रहा है, लेकिन जब आदमी माफ कर देता है तो गोया कि वो अपने पांव में से वो नॉट खोल देता है। इसी तरह से आदमी को, मिसाल के तौर पर बीवी है, दोस्त है, बीवी में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। अब एक आदमी उसकी उन क्वालिटीज को देखे, इसकी इसकी नाक ऐसी है, ये खूबसूरत नहीं है, कभी गुस्से में आती तो बर्तन पटकती है, ऐसा 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 करती है, बोलता हूं भूल जाती है, बहुत सारी कमियां उसमें होती है। अब एक आदमी अगर उन कमियों पे ध्यान देगा तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ जाएगा और हमेशा ये दुख में गम में रहेगा कि जो मुझको चाहिए था वो नहीं मिला, जो मुझको चाहिए था वो नहीं मिला, और हमेशा उसके अंदर से एक दुख, चिढ़, गुस्सा रहेगा जो बाहर और अंदर घर में सब तरफ दिखाई देगा। फिर वो जब भी बीवी से बात करेगा टेढ़ेपन से बात करेगा, वो बिल्कुल इतना बुरा बन जाएगा जैसे कोई जानवर के साथ सलूक कर रहा है। ये जो चीज है, अगर एक आदमी ये देखे कि बेचारी ठीक है खूबसूरत नहीं है लेकिन बर्तन कैसे चमका के धोती है, मेरे घर के बर्तन है, बड़े मेरे कपड़े धोती है खुद से, रात में सुबह में उठ के, ठंडी में गर्मी में कैसे बराबर उठ के मेरे कपड़े, बिल्कुल एक भी स्टेन उस पर नहीं होता है, खूबसूरत नहीं है ठीक है, लेकिन ये कितनी मेरी कितनी फिक्र करती है, इसमें एक चीज कम है, गुस्से में आती है तो बोल भी देती उल्टा, ठीक है लेकिन अगर कोई दूसरा मेरे रिश्तेदारों में से, उसके रिश्तेदारों में से बोल दे मुझको कुछ, तो झगड़े पे आ जाती है, कभी सुनती नहीं उसकी,
बाप भी उसका बोले तो सुनती नहीं है, इतनी गैरत है शोहर की। हाँ ठीक है, कभी कभी मुझको उल्टा बोल देती है। तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर आदमी उसकी उन खूबियों, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को बिल्कुल अप टू डेट रखती है, बराबर बिठा के पढ़ाती है उनको, उनको दीन भी पढ़ाती है, स्कूल का भी पढ़ाती है, उसमें ये कमी है, ये भलाई है। अगर एक आदमी उसकी कमियों को देखे तो दुनिया में कोई आदमी किसी के साथ नहीं रह सकता है। क्यों? अब बीवी बोलना शुरू करें, उसको आप दो इजाजत बोलने की, और बोलो मैं वाकई वादा करता हूं गुस्सा नहीं होऊंगा और डिलीट कर दूंगा फाइल, ये मेरे अंदर क्या कमी है बताओ। बोलेगी इतनी कमियां हैं कि बाप ने अगर इजाजत दी होती चुनने की तो कभी नहीं चुनती। ये तो हमारे अब्बू ने डाल दिया आपकी झोली में, मैं खुद नहीं आई हूं, मैं आई नहीं हूं, लाई गई हूं। ऐसा बोलेगी, हमारे अंदर कमियां नहीं है। हम दूसरों को चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, हम परफेक्ट हैं। जो आदमी परफेक्ट है उसको हक है परफेक्ट मांगने का, जो आदमी खुद इम्परफेक्ट है वो दूसरों को परफेक्ट मांग रहा है, कैसा चलेगा? तो एक आदमी अगर देखे दूसरों के अंदर कमियां, बोले रहता सब ऐसे ही रहते, कुछ ना कुछ कमी रहती है लेकिन कुछ अच्छाई भी तो रहती है। तो उस अच्छाई पर अगर आदमी निगाह रखे तो हर आदमी के साथ निभाव करना आसान हो जाता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे औलाद हो या दोस्त हो। उसके अंदर अच्छाइयां क्या है आदमी उस पर निगाह रखे, उसकी कमियों को नजरअंदाज करे, और अगर ऐसी कमी है जो गलत है तो उसकी इसलाह की कोशिश करें। लेकिन साथ में जी सकता है तभी जब उसकी खूबियों पर आदमी निगाह रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल हमको जिंदगी का दिया है। आप फरमाते हैं ला यफरक मुमिनुन मुमिना, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नफरत न करे, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत न करे। क्यों? आप फरमाते हैं इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, अगर उसके अंदर कोई चीज इसको नापसंद अगर है तो उसमें कोई भलाई भी तो होगी जो इसको पसंद आ जाएगी। यानी अगर उसमें कोई कमी है, कमी की बुनियाद पर नफरत कर रहा है, तो उसको चाहिए कि उसकी खूबी पर निगाह रखे। उसकी खूबियों पर अगर निगाह रखेगा तो उससे मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उससे करीब होना आसान हो जाएगा। ये बीवी के बारे में भी है, दोस्त के बारे में भी है, औलाद के बारे में भी है। एक आदमी अगर दूसरों की बुराइयों पर, कमियों पर निगाह रखेगा, ऐसा आदमी सबका दुश्मन बन जाएगा। अगर खूबियों पर निगाह रखेगा वो दोस्त बन सकता है।